हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहाँ हम करते हैं मूवीज का एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेक्सास चेनसॉ। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि 1973 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक आदमी किसी की खाल पहन करके मुंह पे चेनसॉ से लोगों को काटा करता था। इस बीच उसने एक गाड़ी पे अटैक किया था जिसमें 5 लोग थे। उनमें से उसने 4 को मार दिया था, पर सैली नाम की लड़की बच गई थी। उससे अब कोई भी सवाल पूछने जाता है तो वो जवाब देने से मना कर देती है। वहाँ टीवी देख रही लाइला शॉप ओनर से पूछती है कि आपको क्या लगता है वो कौन होगा। शॉप ओनर कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उसको मार देता, पर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने अपने मुंह में खाल पहनी हुई थी। तभी वहाँ पे उसको लेने मेलोडी आ जाती है। वो कहती है चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो बाहर जा करके डांटे और रुद से मिलते हैं, जो उनके साथ जा रहे होते हैं हैरो नाम के शहर में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लाल गाड़ी आती है जिससे एक आदमी निकलता है, उसके गन होती है, जिसको देख के मेलोडी कहती है कि आज भी लोगों को गन लेकर के घूमना होता है ये दिखाने के लिए कि वो स्ट्रांग है। वो आदमी उसको जवाब देते हुए कहता है कि अगर जंगली सुअर फंस जाएगा तो आप उसको हाथ से नहीं मार पाएंगे, आपको गन का यूज करना पड़ेगा। और इसके बाद डांटे वहां से उन चारों को लेकर के निकल जाता है। डांटे आगे जाता है और तभी वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर के उनको ओवरटेक करते हुए निकल जाता है। डांटे को पुलिस रोकती है और वो उनसे सवाल जवाब करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वो बताता है कि हम हैरो शहर में जा रहे हैं। पुलिस वाले बताते हैं कि यहाँ बहुत हत्याएं और कांड होते रहते हैं, तो कृपया करके ध्यान से रहें और आप मेरा कार्ड रख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें फोन करिएगा। डांटे उन्हें थैंक यू बोल करके निकल जाता है हैरो शहर की ओर। वहाँ पहुँच के देखता है कि बहुत प्यारा शहर है जो खाली हो चुका है। असल में उन्होंने उस शहर को खरीद लिया है और अब नीलाम करके उससे पैसे कमाने का उनका प्लान रहता है। वहाँ पे उनसे मिलता है रिचर। रिचर वही आदमी रहता है जिसने की लाल गाड़ी से उनको ओवरटेक किया होता है। वो उनका कॉन्ट्रैक्टर रहता है। रिचर को देख के डांटे काफी खुश होता है और बोलता है सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं था। रिचर बोलता है कि वो लोग कब आएंगे, जिसके बाद डांटे बताता है कि बस आने वाली है, वो एक घंटा पीछे है बस। इस बीच वो देख लेता है कि एक ऑर्फनेज के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो काफी पुराना है और दूसरे देश का है। इसके बाद वो लोग उस घर में चले जाते हैं अंदर उस झंडे को हटाने के लिए। तभी वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आ जाती है जिसने अपने ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है। वो बूढ़ी औरत कहती है ये ऑर्फनेज है और ये मेरा है, बैंक इसको मुझसे नहीं खरीद पाया है। मेलोडी कहती है कि हमने ये सब कुछ खरीद लिया है। डांटे कहता है आप हमें पेपर्स दिखा दीजिए, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है मैं तुम्हें पेपर्स क्यों दिखाऊं, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ, बैंक को गलत फहमी हुई थी पर मैंने सब कुछ शॉर्ट आउट कर लिया है। डांटे कहता है कि शॉर्ट आउट तो अब सब कुछ पुलिस करेगी। वो वहां से निकल जाता है पुलिस को बुलाने के लिए, जिसके बाद मेलोडी उस बूढ़ी औरत से कहती है आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको वृद्धाश्रम में रहना चाहिए क्योंकि आपकी तबीयत ऑलरेडी बहुत बिगड़ चुकी है। वो औरत उसके ऊपर गुस्साने लगती है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा आदमी आके खड़ा हो जाता है जो कि काफी विशाल रहता है। वो औरत उससे कहती है तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आए, तुम अपने कमरे के अंदर जाओ। वो बताती है कि हमारे ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका है और इसको अब कोई रखने वाला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डांटे वहाँ पुलिस लेकर के आ जाता है। वो बूढ़ी ये देख के घबरा जाती है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद वो आदमी उसको लेकर के पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है। रुथ बोलती है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, तुम्हें उनको हैंडल करना चाहिए, मैं इस बूढ़ी औरत को देखती हूँ। वो पुलिस के साथ निकल जाती है हॉस्पिटल के लिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और नीलामी होना स्टार्ट हो जाती है। इन्वेस्टर्स को वो जगह काफ़ी पसंद आती है, जिसके बाद नीलामी स्टार्ट होती है और वो एक एक करके चीज़ों को खरीदने लगते हैं। और दूसरी ओर गाड़ी में वो बूढ़ी औरत ये बोलते हुए मर जाती है कि तुम्हें अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। उसके मरते ही उसके साथ बैठा पुलिस वाला कहता है अब मुझे लगता है बूढ़ी तो मर गई। तभी वो आदमी उसका हाथ तोड़ देता है और उसको मार देता है। हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर जो गाड़ी चला रहा होता है वो भी घायल हो गया है। रुथ उसके साथ बैठी है और गाड़ी एक जगह जाकर के क्रैश हो गई। वो आता है तो वो देखती है कि पीछे वो बूढ़ी औरत को लेके वो आदमी बैठा है और उसको काट पीट रहा है। वो रेडियो में सब कुछ बताती है कि कैसे एक आदमी है जो कि एक औरत की खाल निकाल करके पहन रहा है। शॉप ओनर ये सब सुन रहा होता है और वो किसी को फोन करके ये सब कुछ बता देता है। ये कोई और नहीं सैली रहती है, जो कि तैयार रहती है कि कब उसको मौका मिले तो वो चेनसॉ को मार के अपने दोस्तों का बदला ले सके। वो गाड़ी में बैठ करके निकल जाती है अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए। वहीं चेनसॉ उठता है और वो देखता है कि कौन जिंदा है। इंस्पेक्टर जिंदा रहता है, वो उसको मार देता है। और हम देखते हैं कि रुथ मैसेज कर देती है मेलोडी को कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। वहीं दूसरे ओर हम देखते हैं कि रुथ भी मरने का नाटक कर रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाता है चेनसॉ। वो जान जाता है कि वो जिंदा है, वो उसका गला पकड़ लेता है और उसके पेट में चक्कू मार के उसका पेट फाड़ डालता है, जिसके बाद रुथ की मौत हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मेलोडी जाती है डांटे के पास और उससे कहती है तुमको पता है तुम्हारी वजह से एक बूढ़ी औरत की मौत हो चुकी है। डांटे कहता है मेरे पास सारे कागज़ हैं। वो कागज़ देखता है लेकिन उनमें से कोई भी कागज़ उस ऑर्फनेज का नहीं होता है। तभी वहाँ पर रिचर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से उस बूढ़ी की जान गई है, तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें पश्चाताप करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से बस की चाबी लेकर के निकल जाता है, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स आए होते हैं। हम देखते हैं कि रिचर अपने घर पर रहता है जहाँ लाइला उससे मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी ओर मेलोडी और डांटे घुस जाते हैं उस घर के अंदर,
जहाँ पे बूढ़ी रहती थी। वहाँ पे उनको कागज मिलता है जिसमें कि लिखा रहता है कि ये उस बूढ़ी का घर है। तभी वहाँ पे आ जाता है चैन शाह और वो काट डालता है डांटे के चेहरे को। मेलोडी नीचे उतर के आती है और वो देखती है कि डांटे मरा पड़ा हुआ है। तभी वहाँ पे चैन शाह आ जाता है जिसको देख करके वो कबर्ड में छुप जाती है। चैन शाह कबर्ड खोलता है और उससे कपड़ा निकालता है जो कि उस बूढ़ी का रहता है। वो उसको चपका करके रोता है और वहीं हम देखते हैं कि मेलोडी भी ये सब देख रही होती है। इसके बाद वो दीवार तोड़ने लगता है और उससे कुछ निकालने का ट्राई करने लगता है। वहीं दूसरी ओर डांटे की आँख खुलती है और वो बाहर निकलता है। रिचर्ड उसको देख लेता है और उससे कहता है, अरे कहाँ जा रहा है। डांटे पीछे मुड़ता है और उसका चेहरा कटा होता है। ये देख करके रिचर्ड काफी डर जाता है। डांटे रिचर्ड के हाथों में दम तोड़ देता है जिसके बाद रिचर्ड कहता है कि तुम सब लोग बस के अंदर बैठो और बाहर मत निकलना, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। वो गन लोड करके उस बूढ़ी के घर में घुस जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो चैन शॉ नीचे उतर रहा है और मेलोडी वहाँ से भागने का सोचती है। लेकिन वो चैन शॉ वापस कमरे में आने लगता है जिसके बाद वो बेड के नीचे घुस जाती है और रिचर्ड भी उस कमरे में घुस गया है। चैन शॉ और रिचर्ड की लड़ाई होती है जिसमें चैन शॉ रिचर्ड का पैर तोड़ देता है। उसके बाद रिचर्ड उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो रिचर्ड के गले में कांच घुसेड़ देता है। रिचर्ड की मौत होने वाली होती है लेकिन वो देख लेता है कि बेड के नीचे मेलोडी छुपी हुई है। वो चाबी निकाल करके उसको देने लगता है। तभी चैन शॉ हथौड़े से रिचर्ड का सर खींच देता है और रिचर्ड की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लाइला आती है बस के अंदर और वो देखती है उसकी बहन वहाँ पे नहीं है। वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और चैन शॉ भी सीढ़ियों से नीचे उतर आता है। मेलोडी चाबी लेकर के नीचे उतरने की कोशिश करती है तभी उसके सामने चैन शॉ आ जाता है और अब उसके हाथ में एक चैन शॉ भी है। वो उसको स्टार्ट कर रहा होता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। मेलोडी नीचे भागने लगती है और वो बेसमेंट में घुस जाती है। चैन शॉ धीमे धीमे करके सारी फर्श काटने लगता है। मेलोडी ये मान ही लेती है कि अब वो मरने वाली है। तभी उसके सामने का जंगला खुल जाता है और उससे उसको लाइला बाहर घसीट लेती है। वो लोग वहाँ से भाग करके बस के अंदर घुस जाते हैं और चैन शॉ बस के अंदर आ जाता है। वो उन लोगों को एक एक करके काटने लगता है और सबको मार देता है। तभी हम देखते हैं कि लाइला और मेलोडी खिड़की से भाग जाते हैं बाहर की तरफ। चैन शॉ सब देख लेता है और वो उनके पीछे पीछे आता है। तभी वहाँ पे सैली आ जाती है अपनी गाड़ी से। उसके पास गन्स होती हैं। वो सैली की गाड़ी में बैठती है और उसे कहती है, प्लीज़ हमें यहाँ से बाहर ले चलो। सैली कहती है कि मैं इसको मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी, इसने मेरे दोस्तों को मारा था। तभी हम देखते हैं कि सैली गन लेकर के बाहर निकलती है पर चैन शॉ उसको कोई रिएक्शन नहीं देता है और वो अपने घर में घुस जाता है क्योंकि उसने उसके ऊपर एक फायर किया होता है। वो चैन शॉ के पास जाकर के गोली एम कर देती है उसके सर पे लेकिन चैन शॉ उसको कोई रिएक्शन नहीं देता है। वो जान जाती है कि चैन शॉ अब उसको भूल चुका है। चैन शॉ बाहर निकल जाता है तो बाहर आकर के उस गाड़ी पर अटैक कर देता है जिसमें मेलोडी और लाइला रहते हैं। वो उस गाड़ी का शीशा फोड़ने लगता है। तभी वहाँ पे सैली आ जाती है और वो चैन शॉ के ऊपर गोली चलाने लगती है। चैन शॉ को गोली लगती है, वो वहाँ से भाग जाता है। सैली कहती है, तुम लोग डरना मत, मैं उसको मार दूंगी। वो बाहर जाती है बस के पास जहाँ चैन शॉ अपनी चैन शॉ स्टार्ट करके सैली के ऊपर अटैक कर देता है। वो थोड़ी देर चैन शॉ के सामने टिकती है पर चैन शॉ उसको पकड़ करके उसके पेट में पूरी की पूरी चैन शॉ डाल देता है और उसको कूड़े के ऊपर फेंक देता है। हम देखते हैं कि मेल गाड़ी को स्टार्ट करके चैन शॉ को टक्कर मारती है। चैन शॉ दूर गिरता है जाके और वो गाड़ी खराब हो जाती है। मेल के पैर में कुछ घुस जाता है और वो कहती है कि लाइला तुम्हें यहाँ से भागना होगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। वहाँ से लाइला भाग जाती है और हम देखते हैं कि चैन शॉ आ जाता है मेलोडी को मारने के लिए। वो मेलोडी को मारने वाला होता है कि लाइला उस गन को उठा के आ जाती है जो होती है रिचर की, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं होती हैं। तभी चैन शॉ लाइला के ऊपर अटैक कर देता है। वो बाहर भागती है और वो बस मरने ही वाली होती है कि तभी शैली जो कि बस मरने वाली होती है वो गोली चला देती है चैन शॉ के ऊपर और वो कहती है कि इस गोली को लो और उस चैन शॉ को मार दो क्योंकि अगर तुमने उसको नहीं मारा तो तुम्हें जिंदगी भर ये खलेगा कि तुम्हारी दोस्तों की मौत हुई और तुम कुछ कर नहीं पाई। इसके बाद सैली की मौत हो जाती है। लाइला उसकी गन उठाती है और वो उस घर में घुस जाती है जहाँ चैन शॉ गया होता है। वो एक घर में जाकर छुप जाता है क्योंकि उसके ऊपर गोलियां चली होती हैं। वहां पे चैन शॉ लाइला के ऊपर अटैक कर देता है और उसको लेकर के पानी में घुस जाता है। लाइला पानी से बाहर निकलती है, चैन शॉ उसको घसीट लेता है और उसको मारने लगता है। वो चैन शॉ स्टार्ट कर लेता है और उसका गला काटने वाला होता है। तभी वहां पे आ जाती है मेलोडी, वो चैन शॉ के ऊपर अटैक कर देती है। अब चैन शॉ का शिकार मेलोडी होती है, वो उसको काटने वाला होता है। तभी मेलोडी मरने से पहले इतना जरूर कहना चाहती थी कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से बूढ़ी की जान गई जिस वजह से तुम बदला ले रहे हो, लेकिन उससे पहले लाइला उसके ऊपर गोली चला देती है और चैन शॉ को 2-3 गोलियां लगती हैं और वो पानी में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं और डांटे की गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं। तभी चैन शॉ वहां पे आता है और वो मेलोडी को बाहर घसीट के उसका गला काट के उसको मार देता है। लाइला अकेली सर्वाइवर होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।